बोलो यार, हर वक्त काम करवाते रहोगे, बुलाते रहोगे, बोलो। ये पैसे लो और मार्केट से जाके ग्रोसरी का और घर का सामान लेके आओ। भाई मैं नहीं काम कर रहा, आप जाके स्टाफ को बोलो वो काम करेगी। मेरा सिर में दर्द कर रहा, मेरे पास 36 काम भी होते हैं। स्टाफ काम करेगा, बेटा कौन है मेरा? मैं बेटा हूँ, पर देखो हर रोज काम, हर रोज पैसे पैसे, मेरे से काम नहीं होता। अपना काम खुद करो और खुद देखो और स्टाफ को बोल दो मेरा सिर में दर्द करो। क्या फायदा है ऐसे बच्चों का जो अपने माँ बाप का कहना ही नहीं मान सकते। भैया बोलो। भैया कल मैंने आपके शॉप से ही लिया था और अब मुझे इसकी नीड नहीं है, तो आप रिफंड कर दीजिए। हमारी दुकान की चीज़ वापस नहीं होती है ना रिटर्न होती है, इसको अपने पास रखो। बट कल के दिन अंकल ने कहा था कि ये रिटर्न हो जाएगा। अंकल नहीं बैठ रहे, मैं बैठा हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, अंकल नहीं है ना। पर ये इसका क्या मतलब होता है? ऐसे थोड़ी होता है, रिफंड होता है हर जगह। नहीं होता है मैडम, आप अपना काम करो, टाइम मत खोटी करो। मुझे आप ऐसे करिए, आप अपने पास रखिए, आज के बाद से मैं आपकी शॉप से कुछ नहीं लूंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गौतम तुम कब समझदार बनोगे, अपनी जिम्मेवारियों को कब निभाओगे? निभा तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? कहाँ निभा रहे हो तुम? मैं सारे काम करता हूँ, मेरे को आपके साथ रहना ही नहीं, अकेले रहूंगा और मेरा सिर मत दर्द करो, अकेले रहूंगा बस। प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।